हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कार्टोग्राफी के बारे में। यह कार्टोग्राफी से रिलेटेड हमारा तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने दो वीडियो बना दिए थे जिसमें कार्टोग्राफी के हिस्टोरिकल अप्रोच को हमने डिस्कस किया था, वहाँ पे उसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखा था। उसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स रहे हैं कार्टोग्राफी से उसके बारे में देखा था। अब इस वीडियो के में हम देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के मानचित्र होते हैं, स्थलाकृति प्रदर्शन करने की विधियाँ होती हैं और सांख्यिकी आंकड़े प्रदर्शन की विधियाँ होती हैं, साथ ही प्रक्षेपों के बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसे यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना एकदम मत भूलिएगा। इसे लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको उसका अपडेट अपने आप मिलता रहेगा यदि आपने बेल आइकन को क्लिक किया है। तो हमें लिंक आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही वहां से देख पाएंगे। और यदि आप इस चैनल को पाना चाहते हैं, YouTube पे देखना चाहते हैं, तो आप YouTube पे टाइप करिएगा ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहां पे देखिए लिखा भी है, ये ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर आप YouTube पे जाके टाइप करेंगे या फिर आप Google पे टाइप कर सकते हैं तो भी हमारे वीडियोज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि UGC फर्स्ट पेपर का टोटल वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पे आपको 10 ईयर साल पेपर भी है, साथ ही आप GS के भी यहाँ पे वीडियोज अवेलेबल हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के भी हैं और इको के भी हैं, साथ ही एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के भी हैं। तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे सभी प्लेलिस्ट हमने बता दिया है तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे, तो इस टॉपिक पे ही हम केवल यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें देखिए मौसम मानचित्र के बारे में देखेंगे और मौसम मानचित्र में शामिल क्या क्या होते हैं। जैसे कि आपको यदि कोई भी मौसम मानचित्र, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इसलिए हम इसको बार बार इस पे जोर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च में आप एग्ज़ाम देंगे, PhD के लिए जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा, UGC नेट के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और नॉर्मली इसके वीडियोस आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि कार्टोग्राफी से रिलेटेड यहाँ पे चैनल पे कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। अदर चैनल पे भी कार्टोग्राफी का वीडियो अवेलेबल नहीं है, एक आध दो मिल सकते हैं, बट ये कई लोगों की डिमांड रही इसलिए हम इसको बना रहे थे। तो दो पार्ट हमने जो बनाया इसके पहले कार्टोग्राफी का, उसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे Part 1 और Part 2 के नाम से आपको मिल जाएगा। साथ ही प्लेलिस्ट भी हम कार्टोग्राफी के नाम से बना देंगे, वहाँ से भी आप वीडियो देख पाएंगे। तो ये तीसरा वीडियो, इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे जो आए हुए प्रश्न हैं UGC नेट में और साथ ही अदर एग्ज़ाम्स में, जैसे जब UPPCS होता था ऑप्शनल तब उसमें। तो हमने देखा कि मौसम मानचित्र में क्या क्या शामिल होता है, जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वर्षा का ये रहता है, जलवायु, वायुमंडलीय दबाव, आकाशीय दबाव, तापमान और उसके विचलन और न्यूनतम की अवस्था किस तरह से डिनोट होती है तो उसके बारे में भी देखेंगे। और मौसम मापन यंत्र को देखेंगे, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन व उसके निर्वचन की विधियाँ, साथ ही मानचित्रों पर जो उच्चावच प्रदर्शित करने की विधियाँ होती उसको देखेंगे, सांख्यिकी आंकड़े प्रदर्शन की विधियाँ कौन सी हैं और प्रक्षेप के बारे में चर्चा की जाएगी। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कार्टोग्राफी में सबसे पहला टॉपिक है हमारा मौसम मानचित्र। अब देखते हैं यहाँ पर मौसम मानचित्र क्या होता है। मौसम मानचित्र वह मानचित्र होता है जिसमें किसी समय विशेष पर किसी देश अथवा प्रदेश की मौसम संबंधी दशाएं, उन मौसम संबंधी दशाओं के अंतर्गत तापमान, वायुदाब, वायुगति, वायुदिशा और वर्षा होती हैं, इसको उसके अंतर्गत प्रकट किया जाता है। भारत में मौसम विज्ञान की स्थापना 1864 में। भारत में मानचित्र, जो मौसम मानचित्र रहा है, यह भारतीय मौसम कार्यालय पुणे से प्रकाशित होता है, जो 1875 में चालू किया गया था। इसके अन्य उपकेंद्र हैं, मौसम विभाग के उपकेंद्र कौन कौन से हैं, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। मौसम संबंधी वेधशालाएँ कौन कौन सी हैं, तो 500 छोटी बड़ी वेधशालाएँ भारत में हैं मौसम से रिलेटेड।
इन वेधशालाओं में निरीक्षण और अभिलेखन का कार्य किया जाता है, जो मेन जो कार्यालय पुणे है वहाँ पे इसको भेजा जाता है। तो इसको भारतीय मानक समय के अकॉर्डिंग जो 8:30 से और 5:20 तक इसकी जो मापन और अभिलेखन कार्य किया जाता है इन वेधशालाओं में, जो मौसम संबंधी छोटी मोटी 500 वेधशालाएँ हैं वहाँ पे, तो इनका जो रिपोर्ट होता है वो जो मेन इसका कार्यालय पुणे में है वहाँ पे भेजा जाता है और वहाँ से मौसम मानचित्र को प्रकाशित किया जाता है। मौसम मानचित्र में शामिल तत्व कौन कौन से आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि मौसम मानचित्र में क्या क्या शामिल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, उसमें प्रारंभिक सूचना होती है, वायुमंडलीय दबाव में उच्च और निम्न दोनों रहता है, पवनों की दिशा को निर्देशित किया जाता है, पवनों का वेग, आकाशीय दाब, मेघावरण की मात्रा और मेघों की आकृति कैसी हो सकती है, साथ ही वर्षण, समुद्र की दिशा, अधिकतम तापमान का प्रसामान्य से विचलन एवं न्यूनतम तापमान का प्रसामान्य से विचलन की व्याख्या की जाती है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों जो टेम्परेचर होते हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो हमने देखा कि मौसम मानचित्र क्या होता है, मौसम मानचित्र में शामिल तत्व क्या होते हैं। अब देखते हैं मौसम मापन यंत्र। तापमान मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसमें दो टाइप के होते हैं, बट ये थर्मामीटर अभी हम देखते हैं, यहाँ पे थर्मामीटर की बात करते हैं। और वायुदाब मापी में बैरोमीटर होता है। बैरोमीटर ये टू टाइप होता है, एक होता है एंड्रॉयड, दूसरा होता है 14। 14 में क्या होता है कि इसमें पारा भरा होता है, जो मापन द्रव होता है वो पारा होता है, लेकिन एंड्रॉयड में क्या होता है, ये शुष्क होता है, इसमें कोई द्रव नहीं होता है और यह इस्पात का बना होता है, इसमें पारा नहीं भरा जाता है। तो ये अंतर है। और वायुदाब मापी में विंड वेन होता है। वायुगति मापी एनेमोमीटर से की जाती है। वायुदाब मापी यंत्र का आविष्कार टोरिसेली महोदय ने 1643 में किया था। और 14 वायुदाब मापी का आविष्कार ये 14 महोदय ने किया था, जिसमें पारे का यूज किया जाता है। वर्षा मापने का जो यंत्र है उसे रेन गेज कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन व निर्वचन, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन व निर्वचन, तो इस पर यहाँ पे चर्चा की जा रही है। और स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार करता कौन है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून करता है, जिसकी स्थापना 1767 में की गई। भारत व पड़ोसी देशों की श्रृंखला के मानचित्र का मापक जो है वो 1:1 लगभग ये आपका हो जाएगा 10,00,000। तो इसका जो रेशियो है, जो मापक है, वो इस मापक पे बनता है। और इस मैप सीरीज में लगभग 106 मैप हैं। और जब इंटरनेशनल मैप सीरीज की बात की जाएगी तो उस मैप सीरीज में 2222 मैप हैं। भारत में मानचित्र की मापनी तीन टाइप की होती है। पहली क्या है, 1 इंच स्केल। दूसरा है, तो पहले वाले में 1 इंच स्केल में क्या होता है कि 4 मील जो है 1 इंच में डिफाइन होता है, तो इसे कहते हैं 1/4 इंच। और दूसरा है, 1 इंच में 2 मील होता है, जिसे 1/2 इंच कहा जाता है। और तीसरा है, 1 इंच में 1 मील होता है, तो उसे 1 इंच की संज्ञा दी जाती है। तो 3 टाइप की यहाँ पे मापनी हो गई। और 1957 में मीट्रिक प्रणाली अपनाने के बाद मापनियों में परिवर्तन कर दिया गया। तो मापनियाँ लगभग 1:50,000 और 1:25,000 पर मानचित्र का प्रकाश सर्वेक्षण विभाग कर रहा है। तो इन मापनियों पे अब मैप बन रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट है हमारा, वो टॉपिक है साधारण रेखा ग्राफ। तो साधारण रेखा ग्राफ में आपको ये ग्राफ यूज किया जाता है तापमान, वायुदाब, जनसंख्या, आयात, निर्यात के लिए। मानचित्र पर उच्चावच प्रदर्शित करने की विधियाँ, जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें देखिए कौन कौन सी विधि है जो उच्चावच प्रदर्शित की जाती है। रेखीय छाया या हैसूर प्रणाली, ये देखिए UGC नेट में पूछा गया था। पर्वतीय, तो इसमें एक बार फिर से देखा जाए कि मानचित्र पर जो उच्चावच प्रदर्शित करने की विधि है उसमें
रेखी छाया या हैश्यूर प्रणाली भी इसे कहते हैं, ये यूजीसी में पूछा गया है। पर्वतीय छायाकरण प्रणाली, आकार रेखा प्रणाली, समोच्च रेखा प्रणाली और स्तर वर्ण प्रणाली, स्थानिक ऊंचाई प्रणाली, निर्देश चिन्ह प्रणाली, साथ ही मिश्रित प्रणाली। तो ये 8 टाइप के सिस्टम्स हैं जो उच्चावच डिफाइन करते हैं। अब आगे है सांख्यिकी आंकड़ों के प्रदर्शन की कौन कौन सी विधियां हैं, इम्पॉर्टेंट ये भी है। अब इसमें है रेखा ग्राफ। रेखा ग्राफ जो है इसमें आप तापमान, वर्षा, जनसंख्या, आय व्यय, आयात निर्यात, उत्पादन के आंकड़े, तो उत्पादन के आंकड़ों में कालिक परिवर्तन या उतार चढ़ाव को प्रदर्शित किया जाता है रेखा ग्राफ के द्वारा। इसके 3 प्रकार होते हैं, एक रेखी, बहुरेखी और मिश्रित दंड रेखा ग्राफ। अगला है डॉट मेथड जो होता है, बिंदु विधि। तो बिंदु विधि किन मानचित्रों में, ये वितरण मानचित्रों में सबसे सरल विधि है। इसमें मात्रा प्रधान मानचित्र, निरपेक्ष अब्सोल्यूट डेटा जैसे जनसंख्या, पशु संख्या, फसल उत्पादन, खनिज उत्पादन, इनके आंकड़े जो है प्रदर्शित करने की विधि है उसको। तो ये डायरेक्ट पूछेगा डॉट मेथड में क्या आता है या जनसंख्या को किस मेथड के थ्रू प्रदर्शित किया जाता है। आर्थिक वस्तुओं का वितरण, जनसंख्या का वितरण इसमें दिखाया जाता है। तो डॉट में आपको डॉट डॉट करके ऐसे भरना होगा, तो ये डॉट मेथड हो गया। अगला है छाया चित्र विधि, कोरोप्लेट मेथड। कोरोप्लेट मेथड में क्षेत्रीय वितरण का प्रदर्शन किया जाता है। क्षेत्रीय तथ्यों की मात्रा व घनत्व को दिखाने के लिए विभिन्न छायाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें सापेक्षिक आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा कि कोरोप्लेट मेथड में क्या किया जाता है, इसको वर्णमात्रीय मानचित्र भी कहा जाता है। अगला है सममान रेखा। सममान रेखा इसे आइसोप्लेट कहा जाता है। इसमें क्या है कि समान मूल्य वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसके द्वारा मानचित्र तैयार किया जाता है। इसमें आपका समान मूल्यों में समताप रेखा, समान ताप वाली, समदाब, समान दाब, समोच्च रेखा, समान ऊंचाई की, समान वृष्टि वाली, या जो आइसोनिफ है वो समान मेघ रेखा है, आइसोगोन समान दिक्पात है, आइसोसिज्मल ये भूकंपीय रेखा है जहाँ पे समान तीव्रता की, आइसो हेलाइन समलवण रेखा हो गया। और नेक्स्ट है प्रक्षेप। प्रक्षेप इम्पॉर्टेंट है, ये मानचित्र में इसके प्रदर्शन के क्या उद्देश्य रहे हैं, जिसमें देखिए इसके टाइप में देखते हैं कि शुद्ध क्षेत्रफल या मार्डबिट प्रक्षेप है। ये किसी वस्तु के वितरण का प्रदर्शन जिसमें वर्षा, वनस्पति, कृषि, जनसंख्या, पशु संपदा होती है, तो वो मार्डबिट प्रक्षेप के तहत इसको दिखाया जाता है। आकार या आकृति या मार्ग में प्रदर्शन करना है तो वो मर्केप्टर प्रक्षेप या आकृति प्रक्षेप से। विश्व का एक पत्रक प्रदर्शन है मार्केप्टर प्रक्षेप। दिशा ज्ञान परिवहन मार्गों या गोलार्धों का प्रदर्शन। पृथ्वी की वास्तविक गोलार्ध स्थिति या ध्रुवी या शिरोच्छेदीय प्रक्षेप के द्वारा निर्धारित की जाती है। विश्व का गोलार्ध प्रदर्शन ये ध्रुवीय खमध्य प्रक्षेप के द्वारा दिखाई जाती है। उसके बाद है महाद्वीप का प्रदर्शन जो बोन प्रक्षेप के द्वारा दिखाया जाता है। तो ये रहा है प्रक्षेप के बारे में। टोटल ये हमने देख लिया, 3 पार्ट में देख लिया, और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रक्षेप और उससे डिटेल्ड में या फिर जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।